गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपकी हिंदी की बुक में फिल करेंगे तीन अक्षर के शब्द अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो नाउ ओपन योर बुक, सभी बच्चे हिंदी की बुक ओपन कीजिए। ओपन योर बुक पेज नंबर 25। आपको पेज नंबर 25 में आप सभी बच्चे देखिए, आपको तीन अक्षर वाले शब्द दिए गए हैं। सबको समझ में आ रहा है कितने अक्षर वाले हैं बेटा? तीन अक्षर शब्द। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। नाउ टर्न कीजिए आप पेज, आप 26, 27, इन सब में आपको तीन अक्षर के शब्द दिए हैं जो मैंने आपको काफ़ी टाइम रीड करा चुकी हूँ। तो आज हम पेज नंबर 30 का अभ्यास करेंगे। सबको समझ में आ गया? आज हम कौन से पेज नंबर का अभ्यास करेंगे? 30 पेज नंबर का आज हम करेंगे, फेल करेंगे इसको, ठीक है, अभ्यास कार्य करेंगे। तो सभी बच्चे बेटा पेंसिल और रबड़ लेके बैठेंगे, मैं आपको बताते जाऊंगी, आप उसी तरीके से बुक फिल करते जाइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको, ठीक है बेटा। वर्ण है ये म ह ल, तो आप इन तीनों को यहाँ बॉक्स में लिखेंगे, क्या बन जाएगा? महल। आप इस तरीके से लिखेंगे म ह ल महल, महल महल। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन देखो, ह व न, तो आप इस तरीके के साथ में लिखोगे ह व और न, तो ह व न क्या बना बेटा? हवन। नेक्स्ट क म ल, तो आप इसको एक साथ लिखोगे क म और ल, तो क्या बना? कमल। तो ये सभी कितने अक्षर के शब्द हैं? तीन अक्षर वाले शब्द। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए ब ट न, तो आप इन सबको एक साथ लिखिए ब ट न, तो क्या बना? ब ट न बटन। श ह द, तो आप एक साथ लिखिए श ह और द, तो श ह द शहद। नेक्स्ट देखिए र ब ल, तो क्या बना बेटा? र ब ड रबड़। तो ये क्या है? ये तीन अक्षर के शब्द है। तो हमने क्या करा? वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया। अब आप प्रश्न ख देखो, सेकंड क्वेश्चन देखिए, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। आपको चित्र देखना है और अपना शब्द पूरा करना है। तो बेटा ये पहला चित्र किस चीज का है? कलश। क्या बनाया ये? कलश। तो कलश की में क्या लिखा है? ला और शा लिखा है, और कलश की स्पेलिंग मतलब कलश का शब्द कैसे लिखेंगे अक्षर? तो कलश 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 कलश। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? का लिखेंगे, तो क ला और शा कलश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हवन। हवन का पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको, तो देखो ह लिखा है ना लिखा है, हम बीच में क्या लिखेंगे बेटा? वा, तो हवाना हवन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसका पिक्चर दिखाया गया आपको? भगत का, तो ग और ता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? भा। भा लिखने से आपका क्या बन गया? भगत बन गया, भा ग ता भगत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको किस चीज का पिक्चर है बेटा? कमल। तो कमल का कमल कैसे लिखते हैं? क डैश ला, तो क मा ला कमल। नेक्स्ट क्या है? मगर, तो ग और र लिखा है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? माँ, तो अगर हमने माँ लिखा तो क्या बना बेटा? मा ग र मगर। नेक्स्ट देखो ये क्या है? सड़क, तोड़ा और का लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आपको यहाँ पे सा लिखना है, तो क्या बना? सा डा का सड़क। सभी बच्चों को समझ में आ गया है क्या बना? तो चित्र में पढ़ो, सभी बच्चे चित्र देख के पढ़ो, कलश हवन भगत कमल मगर सड़क। सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्ण चुन कर मिलाइए तथा शब्द बनाइए। आपको सही वर्ण चुनना है और आपको क्या करना है? मिलाना भी है इसमें, ठीक है, लिखना भी है। तो क्या लिखा है? र ब, अभी हमने पढ़ा था र ब ड रबड़, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अड़ा लिखोगे, क्या लिखोगे? रब बड़, तो आप और इस अड़ा को इससे ऐसे मिलाओगे भी। नेक्स्ट क्या लिखा है? काला, और अब हम क्या किससे मिलाएंगे? शांत, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलश, तो यहाँ पे ऐसे मैचिंग कर देंगे कलश। नेक्स्ट देखो, न ह
और लास्ट वन इज र, तो नहर नहर, पढ़ो फसल, रबड़, कलश, नहर। तो ये सभी कितने अक्षर के शब्द है बेटा, ये सभी आपके तीन अक्षर के शब्द हैं। नेक्स्ट वन देखो, आपको इसमें भी इसी तरीके से करना है। तो पहला क्या है, साड़ा का, का से हम इसको मिलाएंगे तो क्या बना, साड़ा का, सड़क, सड़क का क्या होती है, सड़क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, म ग, तो म और ग, तो म ग र, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मगर, मगर। नेक्स्ट देखो, का ला, और फिर क्या मिलाएंगे किसे, माँ से, तो काला माँ, कलम। नेक्स्ट क्या बचा, बटा ना, तो बटा ना, बटन। तो ये सभी जो आपने आज किया है अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 में, तो ये सभी कितने अक्षर के शब्द हैं बेटा, तीन अक्षर के। तो आप सभी मेरे पीछे पीछे रीड कीजिए तीन अक्षर वाले शब्द, मा हला महल, हा वाना हवन, काला माला कमल, कामाला कमल, बाटाना बटन, शहद शहद, रबड़ रबड़। नेक्स्ट वन देखिए, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। पहला क्या है, कलश, कलश कलश, हवाना हवन, भगत भगत, कामाला कमल, मगर मगर, सड़क सड़क। नेक्स्ट में क्या बोला था आपको, सही वर्ण चुनकर मिलाइए तथा शब्द बनाइए। आपको सही वर्ण चुनकर मिलाना भी है और शब्द भी बनाना है। तो जैसे आपने फा ला लिखा था, फा सा लिखा था, आपने ला चुना, तो क्या बना, फा सा ला फसल, रबड़ रबड़, कलश क्या बना, कलश, नहर नहर। नेक्स्ट वन देखिए, सड़क सड़क, मगर मगर, कलमा कलम, बटाना बटन। तो सभी बच्चे इस पेज में ऊपर आज की डेट डालेंगे यहाँ पे, और आपको ये अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 करना है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, आप सभी बच्चों को पेज नंबर 30 अपनी बुक में आज की डेट डालनी है और ये काम करना है। सभी बच्चों को नीट एंड क्लीन वर्क करना है बुक में, कोई भी गंदा गंदा नहीं लिखेगा बुक में बेटा, साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट।